नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है JNU MSc लाइफ साइंस ईयर 2018 एंट्रेंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व पार्ट बी ऑप्शनल। इसका ये सेकेंड पार्ट है। 55 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी बैक्टीरियल ड्रग फ्लोरोक्विनोलोन्स, यानी कि इसमें से कौन सा फ्लोरोक्विनोलोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्क्राइब करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इट इनहिबिट्स डीएनए गायरेज एंड टोपो आइसोमरेज टू एक्टिविटी, देयरफॉर इट ब्लॉक्स डीएनए रेप्लिकेशन। यानी कि ये जो ड्रग है ये डीएनए रेप्लिकेशन को ब्लॉक करता है बाय इनहिबिटिंग डीएनए गायरेज एंड टोपो आइसोमरेज टू। 56 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटी मलेरियल ड्रग, यानी कि इसमें से कौन सा एक एंटी मलेरियल ड्रग है, तो वो है आर्टेमिसिनिन, ऑप्शन सी। 57 विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इज ट्रांसमिटेड टू फेकल ओरल रूट, यानी कि कौन सा वायरस फेकल ओरल रूट के थ्रू जाता है। फेकल ओरल रूट का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति फेकल कंटैमिनेशन वाला फूड, यानी कि जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा का कंटैमिनेशन हो, ये नॉर्मली तब होता है कि जब लोग सड़क के किनारे जो खाना बेचते हैं उनसे खाना खरीदते हैं और वहाँ पर सफाई नहीं मेंटेन की जाती, जिसके कारण ह्यूमन फेकल मैटर या ह्यूमन एक्सक्रीटा का कुछ अंश खाने में आ जाता है और उस खाने को अगर खा लिया जाए इसके कारण ये बीमारी होती है। तो इस रूट को कहा जाता है फेकल ओरल रूट और इसके कारण हेपेटाइटिस ए होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 58 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू गट माइक्रोबायोम। गट माइक्रोबायोम वो माइक्रोबियल कम्युनिटी है जो हमारे गट में इंटेस्टाइन में रहती है। इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला, इट कैन चेंज विद डाइट, ये सही है कि जैसे जैसे डाइट अगर आप बदल लेते हैं अपनी तो गट के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी बदल जाएंगे। इट कैन प्रोवाइड आवर बॉडीज विद सर्टेन नेसेसरी विटामिन, ये भी सही है। इट हेल्प्स क्राउड आउट इनकमिंग पैथोजन, ये भी सही है, यानी कि ये इनकमिंग पैथोजन के जो मतलब जो पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर कर रहे हैं उनको ये रिमूव करते हैं। ऑप्शन डी है, इट इज़ प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ पैथोजेनिक एजेंट, ये गलत है, यानी कि गट माइक्रोबायोम में सारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, ज़्यादातर जो होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। 59 विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया लैक्स अ सेल वॉल एंड इज देयर फॉर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक होती है ये सेल वॉल की सिंथेसिस को रोकती है, तो वो ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं होती जिसके कारण वो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट होता है, तो वो है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन बी। 60 विच वन ऑफ दीज टर्म्स इज अ नेम ऑफ अ फॉर्म ऑफ लेशमैनियासिस, यानी कि इसमें से कौन सा टर्म लेशमैनियासिस का एक दूसरा नाम है, तो वो है काला आजार, ऑप्शन बी। 61 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट विटामिन डी। पहला, इट इज़ कन्वर्टेड इन टू अ हॉर्मोन, ये सही है। इट्स डेफिशेंसी कॉजेज रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ये भी सही है। 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल इन ह्यूमन स्किन इज कन्वर्टेड टू क्लोर कैल्सीफेरॉल बाय यूवी रेडिएशन, ये भी सही है। ऑप्शन सी जो है, रॉ मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, ये गलत है। रॉ मिल्क में विटामिन डी बहुत ही कम होता है, ये गुड सोर्स बिल्कुल भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 62 फॉर अ रिएक्शन एक्स डेल्टा जी इज -10 किलो कैलोरी पर मोल, वाइल फॉर रिएक्शन वाई डेल्टा जी इज -5 किलो कैलोरी पर मोल, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन रेट। तो अगर डेल्टा जी की फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यूज दी गई हैं तो फ्री एनर्जी की वैल्यू से हमें रेट के बारे में पता नहीं चल सकता कि रिएक्शन रेट क्या होगा, तो इस वजह से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नो वैलिड कंपैरिजन ऑफ रिएक्शन रेट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। 63 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हिपेरिन। हिपेरिन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इट इज अ सल्फेटेड एसिडिक म्यूकोपॉलीसेक्राइड, ये सही है।
इट इज़ कॉमनली एडमिनिस्टर्ड एज एन एंटीकोगुलेंट, ये भी सही है. रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ हिपेरिन कंसिस्ट ऑफ ग्लूकुरोनिक एसिड 2 सल्फेट एंड ग्लूकोजामाइन 6 सल्फेट 2N सल्फेट, ये सही है. इसमें ऑप्शन सी, रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ हिपेरिन कंसिस्ट ऑफ ग्लूकुरोनिक एसिड एंड एन एस्टाइल गैलेक्टोजामाइन 4 सल्फेट, ये गलत है. इसमें एन एस्टाइल गैलेक्टोजामाइन नहीं होता. 64. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एस्ट्रोजन, यानी कि एस्ट्रोजन के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है. इट हैज़ एन 18 कार्बन एटम, सही है. दिस क्लास ऑफ स्टेरॉयड हैज़ एन एरोमेटिक रिंग, ये भी सही है. इट हैज़ अ सिंगल मिथाइल ग्रुप अटैच टू स्टेरॉयड न्यूक्लियस, ये भी सही है. इट हैज़ एन OH ग्रुप एट कार्बन 11, ये गलत है. कार्बन 11 पे कोई ग्रुप अटैच नहीं होता. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी. 65. फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ मिरिस्टिक एसिड 14 कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, हाउ मेनी नेट मोल्स ऑफ ATP आर प्रोड्यूस्ड. इसको सॉल्व करने के लिए हमें पूरी पाथवे देखनी पड़ेगी. सबसे पहले जब मिरिस्टिक एसिड बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे में इंटर करेगा तो इसके एक्टिवेशन के लिए 2 ATP रिक्वायर्ड होगा. उसके बाद एक साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन जब होता है तो इसमें एक FADH2 बनता है और एक NADH2 बनता है. सिंस मिरिस्टिक एसिड में 14 कार्बन है, इसमें 6 साइकिल चलेंगी. तो 6 साइकिल बीटा ऑक्सीडेशन में आपका बनेगा 6 FADH2 और 6 NADH2. अब एक FADH2 जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जाता है तो इससे 2 ATP बनेंगे, और एक NADH2 जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जाएगा तो उससे 3 ATP बनेगा. तो 6 FADH2 से बनेगा 12 ATP और 6 NADH2 से बनेगा 18 ATP. टोटल आपका हो गया 30 ATP. अब मिरिस्टिक एसिड के कंप्लीट बीटा ऑक्सीडेशन के बाद आपको 7 एसिटिल कोएंजाइम ए मिलेंगे जो इंटर करेंगे साइट्रिक एसिड साइकिल में. एक एसिटिल कोएंजाइम ए जब साइट्रिक एसिड साइकिल में जाता है तो इससे मिलते हैं 3 NADH2, 1 FADH2 और 1 GTP, जो कि बराबर होता है 1 ATP के. तो 7 बार साइट्रिक एसिड साइकिल चलेगी तो इसमें बनेगा 21 NADH2, 7 FADH2 और 7 GTP. अब 21 NADH2 से इंटू 3 63 ATP मिलेगा, 7 FADH2 से इंटू 2 14 ATP मिलेगा और 7 GTP बराबर होगा 7 ATP के. तो टोटल होगा 84 ATP. अब जो नेट यील्ड होगी वो होगा 84 प्लस 30 माइनस 2, ये आ रहा है 112. 112 इसमें ऑप्शन नहीं है. तो मेरे हिसाब से तो 112 है, मैंने बुक से भी चेक किया है, उसमें भी 112 ही आ रहा है. 66. हाउ मैनी मेलोनेट यूनिट्स आर कंज्यूम्ड इन साइटोप्लाज्मिक सिंथेसिस ऑफ पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन. पाल्मिटिक एसिड की सिंथेसिस के दौरान जो स्टेप होती है इसमें एसिटिल ACP कंबाइन करता है मेलोनिल ACP से और बनाता है ब्यूटरिल ACP. मेलोनिल ACP और प्लस एसिटिल ACP बनाता है ब्यूटरिल ACP. ब्यूटरिल ACP में 4 कार्बन होता है. अब उसके बाद इसका इलोंगेशन होता है जिसमें हर स्टेप में एक मेलोनिल ACP आएगा. ये 3 कार्बन कंटेनिंग है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और 2 कार्बन आकर ब्यूटरिल ACP पे जुड़ जाएगा. तो यानी कि ब्यूटरिल ACP हुआ 4 कार्बन का, तो पहले स्टेप में 2 कार्बन आया और तो हो गया 6 कार्बन. तो 4 से 6, 8, 10 ऐसे करते हुए ये हर स्टेप में बढ़ेगा. अब ये आपका 16 कार्बन का है तो इस हिसाब से आपका एक मेलोनिल ACP यहाँ पर आ गया और 6 आएंगे इस स्टेप में कंडेंसेशन इलोंगेशन वाले में. तो टोटल आपके हो जाएंगे 7. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. 67. वेयर आर द 2 नाइट्रोजन एटम्स ऑफ यूरिया डिराइव फ्रॉम इन यूरिया साइकिल. यूरिया साइकिल में यूरिया के जो 2 नाइट्रोजन हैं वो कहाँ से आते हैं. तो पहला आता है कार्बोमोइल फॉस्फेट नाइट्रोजन से और दूसरा आता है एस्पार्टेट नाइट्रोजन से. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. 68. इन विच ऑर्डर आर दीज 3 कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड प्रोड्यूस्ड और अटैच ड्यूरिंग सिंथेसिस, यानी कि प्यूरिन बायोसिंथेसिस में इन 3 कॉम्पोनेंट्स का अटैचमेंट किस ऑर्डर में होता है. तो सबसे पहले राइबोस 5 फॉस्फेट जो है ये शुगर आपका बनेगा, इसमें इमिडाजोल रिंग बनाई जाएगी और फिर वो कन्वर्ट होगा पिरिमिडीन रिंग में.
तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. सिक्सटी नाइन. ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इन माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंड प्रोडक्ट. फैटी एसिड का जब ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में तो इसमें स्टेप वाइज मैनर में एसिटिल कोएंजाइम ए, दो कार्बन यूनिट जो हैं ये रिलीज होते हैं जो कि फिर इंटर करते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल में. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. सेवेंटी. इफ यू हैव टू प्रिपेयर वन मिली मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वन लीटर ऑफ वाटर, हाउ मच क्वान्टिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड यू वुड डिजॉल्व इन वाटर. यानी कि आपको वन मिली मोलर सोल्यूशन बनाना है NaCl का एक लीटर पानी में, तो एक मोलर बनाने के लिए आपको जो मॉलिकुलर वेट है 58.4 ग्राम यूज करना पड़ेगा. तो एक मिली मोल के लिए हो जाएगा 58.4 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि 0.0584 ग्राम. इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 58.4. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. 71. अ फीमेल लेफ्ट हैंडेड कॉइल्ड स्नेल विद जीनोटाइप कैपिटल एस स्मॉल एस मेट्स विद अ मेल राइट हैंडेड कॉइल्ड स्नेल विद जीनोटाइप स्मॉल एस. द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजनी हैविंग राइट हैंडेड कॉइल शेल इज. स्नेल्स में जो कॉइलिंग होती है ये मदर के जीनोटाइप पे निर्भर करती है. यानी कि जैसे ही एग बनता है उसकी कॉइलिंग जो है वो डिटरमाइंड हो जाती है और उसका फर्टिलाइजेशन कॉइलिंग के डिटरमिनेशन के बाद होता है. तो यहाँ पर फीमेल जो है वो लेफ्ट हैंडेड है, यानी कि उसका जीनोटाइप है कैपिटल एस स्मॉल एस. तो यहाँ पर जितने भी इसके एग बनेंगे वो सब लेफ्ट हैंडेड बनेंगे जो बाद में फर्टिलाइज करेंगे स्पर्म से. तो इस केस में राइट हैंडेड कॉइलिंग की प्रोबेबिलिटी होगी जीरो, ऑप्शन ए. 72. इन प्लांट कैपिटल आर राउंड सीड इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर रिंकल्ड सीड एंड कैपिटल वाई ग्रीन लीफ इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल वाई येलो लीफ. अ प्लांट विद अ जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल वाई इज क्रॉस्ड विद अ प्लांट कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. द फ्रैक्शन ऑफ प्रोजनी पॉजिसिंग रिंकल्ड सीड एंड येलो लीफ विल बी. तो आपको क्रॉस करना है कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. तो इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई में चार टाइप के गैमेट बनेंगे, इसमें दो टाइप के गैमेट बनेंगे. और तो इस हिसाब से जो रिंकल्ड सीड और येलो लीफ यानी कि दोनों आपके रिसेसिव फीचर्स हैं ये होमोजाइगस कंडीशन में ही आएंगे. तो इसमें सिर्फ एक ऐसा इंडिविजुअल होगा जिसमें ये दोनों चीज़ें होंगी. अब टोटल आपके प्रोजनी बनेंगे 8, तो रेशियो होगा 1:8, ऑप्शन बी. 73. द कोट कलर इन कैटल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. अ रेड काउ कैपिटल आर इज मेटेड विद अ रोआन बुल इज कैपिटल आर स्मॉल आर. द फ्रैक्शन ऑफ प्रोजनी पॉजिसिंग रेड कोट विल बी. तो इसमें क्रॉस करना है कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर में. तो इसमें आपको रेड और रोआन जो मिलेंगे इन द रेशियो 1:1 यानी कि 50%. तो प्रोबेबिलिटी होगी 0.5. 74. इन बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन ऑकर्स बिटवीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप्स. बैक्टीरिया में जो कॉन्जुगेशन होता है वो मेल या फीमेल में होता है, यानी कि मेल जो होगा उसमें एफ प्लाज्मिड होगा और फीमेल में नहीं होगा. तो मेल को हम एफ प्राइम से भी डिनोट करते हैं. तो यहाँ पर होगा एफ प्राइम और एफ. यहाँ पे जो एफ है ये फीमेल को डिनोट करेगा और F प्राइम जो है वो मेल को डिनोट करेगा. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. 75. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन इकोलॉजिकल सक्सेशन. इकोलॉजिकल सक्सेशन में सबसे पहले है न्यूडेशन, फिर इन्वेजन, फिर कॉम्पिटिशन एंड कोएक्शन, फिर रिएक्शन, फिर स्टेबलाइजेशन, ऑप्शन सी. 76. द टर्म अल्फा डाइवर्सिटी रिफर्स टू. अल्फा डाइवर्सिटी जो है वो स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी.
77. Of the following four, which one is not in situ conservation? In situ conservation जो होता है वो in situation होता है, यानी कि जहाँ पर जो organism naturally present है वहीं पे उसका conservation हो. तो national park, wildlife sanctuary और biosphere reserve जो है वो in situ में आते हैं. Biological resource repository जो है ये एक तरह का bank है जहाँ पर seeds या plants का storage किया जाता है. ये आपका ex situ conservation में आएगा. तो correct answer है option C. 78. Sympatric speciation occurs not as a result of reproductive isolation due to. Sympatric speciation में जो organisms हैं वो एक ही area में रहते हैं but उनमें mating नहीं होती, जिसके कारण speciation होता है. और इसका कारण होता है barrier of mating, यानी कि उन दो species के बीच में mating ही नहीं होती, इसके कारण speciation हो जाता है with time. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. 79. द फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वॉज. लाइफ में जो अर्थ पे जो लाइफ इवॉल्व हुई वो सबसे पहले स्ट्रोमेटोलाइट्स के फॉर्म में थी, जो कि एक टाइप के साइनोबैक्टीरिया थे. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. 80. इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस ऑकरिंग इन अ स्पीशीज वेयर एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस बिकम्स डिस्टिंक्ट टू फॉर्म अ डिफरेंट स्पीशीज. इसको कहा जाता है क्लैडोजेनेसिस, यानी कि इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस जो स्पीशीज में होते हैं जिसके कारण एक स्पीशीज दो अलग अलग स्पीशीज में बाइफरकेट करती है या क्लैड बनाती है, इसको कहा जाता है क्लैडोजेनेसिस. ऑप्शन ए. थैंक यू.